हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चार्टिस आर्टिस। 30 अप्रैल 29 को बिग ब्रेकआउट हो गया गाइस। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वेलकम टू माय वीडियोस। डिस्क्लेमर, ग्लोबल सेंटीमेंट न्यूट्रल टू बुलिश साइड। एशियन मार्केट के लिए स्पेशली बुलिश है और यूरोपियन मार्केट बुलिश है, वेरी बुलिश है। और डाउ जोन कहीं 38,294 के आजूबाजू, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। आज रात को पता चलेगा तो अपने सुपर बुलिश हो जाएगी। नेक्स्ट करेंसीज में डॉलर इंडेक्स घटा है गाइस। यूएसडी, आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड थोड़ा इंडियन करेंसी के सामने स्ट्रांग है। यूरो डाउन हुआ है और जैपनीज येन हल्का माइल्ड पॉजिटिव है, न्यूट्रल टू बुलिश मेरा व्यू है। कमोडिटीज़ में करेक्शन है, क्रूड ऑयल ने अच्छा खासा करेक्शन दिया, इसके वजह से मार्केट बुलिश है। बैंक निफ्टी इसीलिए बुलिश है। गोल्ड में भी थोड़ा हल्का मोटा करेक्शन चल रहा है। सरप्राइजिंगली आज दोनों ने बाइंग किया है, डीआई और एफआई का, दोनों का बाइंग है। 692 करोड़ का डीआई ने बाइंग किया है और एफआई ने 169 करोड़ का बाइंग किया है। माई व्यू एफआई डीआई बाइंग। निफ्टी 50 अबव 22,400 बुलिश, ऐसा मैंने कल लिखा था। और आज अच्छा खासा मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है और कल गैप अप खुलने के भी चांसेस है 100 पॉइंट के, अगर मार्केट आज सस्टेन करता है गिफ्ट निफ्टी का, क्योंकि अभी 22,800 के करीब है गिफ्ट निफ्टी, तो अपना 100-200 पॉइंट गैप अप ही खुल जाएगा और 23,000 कल मिलने के चांसेस है। बैंक निफ्टी में मंथली बुलिश डॉजी था और आज 1200 पॉइंट रिकवरी दिया है। टुडेज टेक्निकल कंसेप्ट असेंडिंग ट्राइंगल, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। ब्रोकन विथ बिग कैंडल, हमने बोला था कि ये 3-4 दिन तक होल्ड करेगी जब तक ब्रेकआउट नहीं लेता है मार्केट, तो ब्रेकआउट ले लिया है, अब हम नया कंसेप्ट लेके आएंगे। एचडीएफसी बैंक होल्डिंग लेवल लिखा था मैंने, इन्वर्टेड हैमर है 1511 पे, तो 1526 तक है मार्केट अभी, और उसका लेवल भी मैंने 1616 तक का रखा है। एक 1559 एक रेजिस्टेंस है, वो निकल जाए तो फिर 1616 का मिल चांसेस है। और गिफ्ट निफ्टी अभी 22780 पे है प्रेजेंटली, अभी चल रहा है मार्केट वहाँ पे। कंटेंट अपना जो ये था एक असेंडिंग ट्रायंगल, आप दोनों व्यू में देख सकते हो। एक कल 27 का एक चार्ट है और ये 29 का चार्ट है, ये फ्राइडे का, ये मंडे का है। राइट साइड पे आप देख सकते हो एक बिग ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे हमने एक जोन बना के रखा था, उसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकला बुलिश हो गया। और मैंने कल बोला था अगर यहाँ इसके ऊपर खुलेगा मार्केट सपोर्ट के ऊपर तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक बुलिश है 1526 पे अभी। निफ्टी 50 के इंट्राडे लेवल्स मैंने न्यू सपोर्ट ऐड कर लिया है इसके अंदर, 22610 का अभी एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हमने पहला रेजिस्टेंस लिखा था 22610, तो मार्केट कल गैप अप खुलने के चांसेस है, हल्का सा करेक्शन देखिए फास्ट में वह रिवर्स कर सकता है मार्केट। और अभी स्विंग के लिए स्विंग एक्टिव हो गया है गाइस, 22528 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ अगर आता है बाय करिए और फिर 23350 के लिए वेट करिए, मिलने के चांसेस है। बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स में मैंने नया सपोर्ट ऐड कर दिया गाइस, 48558 जो लास्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा। और मैंने कल लिखा था 49,000 ब्रेकआउट लेवल है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 100-200 पॉइंट एक्सपेक्ट किया था, 49,000 टूटेगा 200 पॉइंट चला जाएगा, बट एक्चुअल में ये 450 पॉइंट ऊपर चला गया, क्योंकि 49,000 पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है और सब पुट वाले कॉल शॉर्ट करने वाले भागे हैं, जो पुट बाई करने वाले वो भी भागे हैं। तो अपना पहला टारगेट, इमीडिएट टारगेट अभी 50,000 है और मेरा मंथली टारगेट 52,000 है। बैंक निफ्टी 50 की स्विंग ट्रेड एक्टिव है, 48,200 का स्ट्रेडल मैंने कल बोला था, बट हाई समहाउ 355 तक आया मार्केट और 400 का मैं बाइंग हुआ है, तो फिर भी मार्केट ने अच्छा खासा 1100 पॉइंट का प्लस मूवमेंट दे दिया है इसके अंदर। मैंने कल ही बोला था कि आप 48,200 का स्ट्रेडल ले लेना, मार्केट अगर वापस नीचे आता है तो आपको डर नहीं लगेगा, बट आज सिंगल साइड मूवमेंट दिया है और सिंगल साइड ऊपर चला गया मार्केट। तो माय मोटो इज़ टू रिड्यूस नंबर्स ऑफ लॉस मेकिंग रिटेल ट्रेडर्स और 5% इम्प्रूवमेंट कैन बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। लेवल्स ऑन चार्ट, तो चलो गाइस चलते हैं चार्ट के ऊपर। आप देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और एक जो मैं यहाँ पे रेड जोन रख रहा था, यहाँ पे रेड जोन था अपना, मैंने यहाँ पे रेड करके रखा था, अब उसको मैंने सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है।
तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। और ये एक मैंने ट्रे यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ये ग्रीन जोन के ऊपर खुला मार्केट तो 48,200 का स्ट्रेडल, इसीलिए बोला था कि 48,200 उसका लास्ट बॉटम था। अगर मार्केट वहाँ पे भी आता तो अपने को कॉल ले सकते थे, बट मार्केट ने आज इनिशियली शुरुआत के घंटे से ही बाइंग चालू कर दिया था। अगर आप मैं 1 आवर में जाऊँ तो 1 आवर में शुरुआत से बाइंग किया और कहीं पे भी मार्केट ने हल्का सा भी करेक्शन नहीं दिया है, बस एक रेजिस्टेंस के पास उसने एक डोजी बनाया और उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया। उसको ब्रेक करते ही 400 पॉइंट के मूवमेंट आई गाइस। तो एक लास्ट अपना लेवल था जो भी टूट गया 49,000 और 49,500 पे मार्केट है। तो क्लोजिंग अपने को मिला है ये 49,380 का दिख रहा है। डे कैंडल क्लोजिंग बता देता हूँ गाइस, 380 नहीं होगा वो, 424। मतलब मैं 380 पे क्लोज होने के बाद मार्केट 60 पॉइंट प्लस होके बंद हुआ है। इट मीन्स कि जब मार्केट बंद हो रहा था तब बाइंग हुआ है। ठीक है गाइस, अभी चलते हम निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट में अभी लास्ट ब्रेकआउट हो चुका है इसका भी, अगर आप देखोगे। ये मैं थोड़ा वीकली करके दिखाता हूँ तो पता चलेगा। वीकली वीकली आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस को मैंने सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया है। 619 को 610 तक रखेंगे, उसके ऊपर मार्केट बुलिश है। तो कल मार्केट 22,620 के आजूबाजू मिले, 610 से रिवर्सल दिखे तो ले लेना, बट वो ऊपर ही खुलेगा गाइस, ये ऊपर ही खुल के जाएगा नीचे मार्केट। 780 अभी अपना गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। नाइट में देखना पड़ेगा क्या करता है मार्केट, बुलिश हो जाएगा तो एक कल अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। तो फिर ये यहाँ पे अगर खुला थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ तक का मूवमेंट है गाइस। 23,000 देख लीजिए आप, 23,000 का मूवमेंट है तो मार्केट कल 23,000 दिखा सकता है और इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो 23,000 पकड़ के चल सकते हैं गाइस, ये एक मेरा एक टारगेट रहेगा कल के लिए, इंट्राडे करने वालों के लिए है। कल अच्छा खासा मार्केट प्लस साइड जा सकता है, देखते हैं। यहाँ से ओपनिंग अच्छा मिलना चाहिए गाइस, ये 22,528 के नीचे अब नहीं आना चाहिए, 22,528 के नीचे बेरिश हो जाएगा मार्केट, उसके ऊपर बुलिश है। ठीक है, थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 1 आवर में देखोगे तो ये उसने डबल टॉप डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट लिया है। तो यहाँ से जाके वो एक बार ये जो रेजिस्टेंस अपना नहीं ब्रेक हो रहा था, आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 बार उसने ये लाइन को, जो ये डायगोनल लाइन जा रही है ब्लैक डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन को कभी ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। तो अब अगर ये ब्रेक करता है तो हमें मंथली टारगेट बड़े मिलेंगे गाइस। तो आप 1 महीने का 2 महीने का भी ट्रेड ले सकते हो। देखो यहाँ से आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम महीने के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, तो ये मार्केट इधर से ऊपर बुलिश हो सकता है। ये महीने का कैंडल शायद स्ट्रांग बॉडी के साथ क्लोज हो और ये थोड़ा ऊपर निकल जाए। 1 आवर में चले जाते गाइस, एक बार 1 आवर ले लिया मैंने। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर ही है, देखोगे आप डबल डबल टॉप का जो ब्रेकआउट था नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट अभी भी इसके ऊपर बुलिश है। तो अपना 610 एक पहला इमीडिएट सपोर्ट है, 610 के नीचे 528, ये दो सपोर्ट रहेंगे इंट्राडे के लिए। अदरवाइज स्विंग ट्रेड तो हमने यहाँ से बोला ही था, 22,400 का कॉल और पुट लेने के लिए। अगर आज निफ्टी में अच्छा चांस मिला था, 22,400 पे कॉल बाइंग हुआ है, मैंने नहीं लिया है गाइस, मैं बैंक निफ्टी की तरफ ही मेरा फोकस था, मैंने नहीं लिया है और बैंक निफ्टी अच्छे से चल रहा है। तो बैंक निफ्टी को होल्ड करेंगे जब तक जाता है 50,000, एटलीस्ट हमको ट्राई करना है कैप्चर करने के लिए। तो देखते जाएंगे कहीं पे नेगेटिव सिग्नल मिलेगा तो ही निकलेगा, अब तो बाकी होल्ड करेंगे। ठीक है गाइस, अभी हम एक बार HDFC देख लेते हैं। देखो HDFC में मैंने बोला था, एक बार डे कैंडल में दिखा देता हूँ, HDFC मूव करेगा तो बैंक निफ्टी मूव करना ही करना है। देखो अभी इसका कल ब्रेकआउट लेवल 41530 है, 1530 के ऊपर निकलते ही ये 20-25 पॉइंट और एक मूवमेंट दे देगा। तो ये कल ट्राई करेगा कि 57 को भी ब्रेक कर दे, अगर बुलिश होने वाला होगा मार्केट, HDFC अगर बुलिश होने वाला है तो कल ये 57 को ब्रेक करेगा, उसको करना पड़ेगा। 57 ब्रेक कर दिया तो फिर अच्छा खासा मूव आएगा और फिर उसके बाद एक अच्छा खासा 1616 तक का मूव पेंडिंग है, वो भी आ सकता है। तो देखते हैं इसके अंदर मार्केट क्या करता है। कल 1530 ब्रेक होते ही 57 की तरफ जा सकता है, 1557, और वो लास्ट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट बुलिश है। एक बार SBI देख लेते हैं,
SBI में मैंने बोला था कि 788 अगर आ जाता है तो बाई करेंगे, बट इधर से मार्केट रिवर्स हो गया, 798 से 10 पॉइंट ऊपर से मार्केट रिवर्स हो गया और अभी ये 830 तक का हाई लगाया। अभी अपना 860 के लिए बस एक 30 पॉइंट का एक टारगेट दूर है, उसको टच करके भी शायद मार्केट नीचे आ सकता है, तो वेट वहाँ तक वेट करेंगे 60 तक, 860 से देखेंगे कि ब्रेक कर रहा है कि नहीं ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करेगा तो फिर 905 का टारगेट ले लेंगे गाइस। बड़ी एक मीडियन है तो यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट होने के चांसेस 850 से 860 के बीच में अगर नेगेटिव कैंडल बने तो ही कॉल छोड़ेंगे, अदरवाइज़ ये स्ट्रांग है। मेरे पास नहीं है गाइस, इक्विटी में मैंने नहीं किया है, मैंने बैंक निफ्टी किया है तो ये भी मैंने नहीं लिया है, जस्ट मैं वॉच कर रहा था ये और अच्छा चल रहा है। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियोस में इतना ही था। गिफ्ट निफ्टी एक बार दिखा देता हूँ गाइस आपको, गिफ्ट निफ्टी देख के कल का अंदाज़ आ जाएगा। गिफ्ट निफ्टी एक कदम आगे क्या चल रहा है मार्केट, आप देखोगे तो इसमें भी ब्रेकआउट है 789, ये लास्ट रेजिस्टेंस है गाइस, मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ऑल टाइम हाई के लिए लास्ट रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट है। और अगर आपको गिफ्ट निफ्टी 835 के ऊपर जाता हुआ दिखे तो समझ लेना एक बड़ा मूव आने वाला है, उसके बाद एक बार रिट्रेसमेंट ले ले तो अच्छा है, जिसने नहीं लिया वो भी ले ले, चलती गाड़ी में चढ़ जाए तो उनको भी एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। इसका भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो रहा है गिफ्ट निफ्टी का, तो साथ में ही सब टूटेगा और इसके ऊपर निकल जाएगा, लास्ट रेजिस्टेंस है गाइस, इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। एक बार होल्ड करेगा मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए तो अच्छा है, तो जिस प्रॉफिट बुकिंग करके वापस जा सकते हैं। फिलहाल मार्केट बुलिश है और कल अपने को अच्छा खासा गैप अप भी देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे सस्टेन कर लिया। देखो ये रेजिस्टेंस उसने लिया है, ठीक है ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, यहाँ से शायद निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरा एनालिसिस वगैरह अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज की एक टिप मैं दे देता हूँ गाइस, कभी भी मार्केट को है ना छोटे टाइम फ्रेम पे मत देखिए, अगर आप वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको जजमेंट लेने में डिफ़िकल्टी होगी, आप उसको वीकली या मंथली देखिए। जस्ट मैं दिखा देता हूँ वीकली, अगर आप वीकली देखोगे तो आपको पता चलेगा लास्ट हाई ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, ये है 22735 और ये ऊपर चल रहा है। अभी शायद हो सकता है कि इधर ये रिट्रेसमेंट दे, क्योंकि डे कैंडल में रेजिस्टेंस है और रिट्रेसमेंट दे के वापस ऊपर जाना है उसको, तो 860 तो ऑलरेडी जाके आया था गिफ्ट निफ्टी जब अपना मार्केट नहीं गया था, तो उसको जाना है तो अपना ये मोटा मोटा 23100 तक जाएगा, तो अपना मार्केट 23000 तक जाएगा। और ये डबल बॉटम बनाया गाइस, आप देख सकते हो डबल बॉटम है, डबल बॉटम बना के जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बाकी रिटेल ट्रेडर्स को भी भेजिए जिससे हम उनका लॉस कम कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।